चलो आपके सामने पहले क्वेश्चन में एक कैटलिस्ट का लिस्ट दिया हुआ है और आपको उसको मैच करना है, उस कैटलिस्ट में कौन सा मेटल मौजूद होगा। तो ध्यान ना, जिग्लेनेटर कैटलिस्ट जो होता है उसका यूज करते हैं हम लोग पॉलीमराइजेशन ऑफ इथिन में। तो इसमें जो कैटलिस्ट होता है टाइटेनियम, यानी एक के साथ फोर मैच करेगा। एक के साथ जो फोर है वो सिर्फ ऑप्शन फोर में दिया हुआ है, यानी फोर करेक्ट होगा। बाकी अगर हम अगर देखते हैं तो ब्लड पिगमेंट्स में आपका आयरन होता है, ठीक है। विल्किंसन जो कैटलिस्ट होता है इसके अंदर रोडियम होता है, और विटामिन जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट मौजूद होता है। आपके राइट साइड में विल्किंसन कैटलिस्ट का आप देख सकते हो, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है आपको बस लिखा हुआ है। इसमें रोडियम मेटल मौजूद है, विटामिन जो B12 होता है उसमें कोबाल्ट कंटेनिंग होता है। तो ये था इस क्वेश्चन का आंसर। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ध्यान अब चलो, इस क्वेश्चन में आपके सामने दो स्टेटमेंट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ग्रुप 14 फ्रॉम सिलिकन टू लेड ग्रेजुअली डिक्रीजेस। ध्यान ना, आपके सामने मैं एनसीईआरटी का टेबल मैं शेयर कर रहा हूँ जिसमें ग्रुप 14 के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का वैल्यू दिया हुआ है। अब देखना, कार्बन से लेकर लेड तक में जो वैल्यूज है, तो कार्बन का 2.5 होता है, सिलिकन 1.8, 1.8, जर्मेनियम भी होता है सेम, टिन का भी होता है 1.8, और लेड का होता है 1.9। यानी ग्रेजुअली डिक्रीज तो नहीं कर रहा है। इनफैक्ट ये शुरू में क्या है, सिलिकन से लेकर टिन तक कॉन्स्टेंट है, और लेड में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। तो आपका जो पहला स्टेटमेंट क्या होगा, ये होगा आपका इनकरेक्ट। बात करते हैं हम लोग स्टेटमेंट टू का। तो ध्यान देना, इसमें क्या बोला हुआ है, ग्रुप 14 कंटेंस नॉन मेटालिक मेटालिक एज वेल एज मेटलॉइड एलिमेंट्स। तो ध्यान देना, ग्रुप 14 में कार्बन जो होता है नॉन मेटल होता है, ठीक है। फिर सिलिकन जर्मेनियम मेटलॉइड में काउंट कर सकते हो आप, और जो टिन लेड होता है उसको आप मेटल बोल सकते हो। यानी इसमें मेटल मेटलॉइड एंड नॉन मेटल तीनों मौजूद होते हैं। यानी आपका स्टेटमेंट टू क्या होगा, करेक्ट होगा। तो वन इनकरेक्ट, टू करेक्ट, तो आपका जो ऑप्शन जो होगा फोर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट में जो हम लोग करते हैं कन्फर्मेशन ऑफ सील माइनस, आपको एक येल्लो सॉल्यूशन मिलता है, और उस येल्लो सॉल्यूशन का एसिडिफिकेशन करने के बाद जब उसमें हम अमाइल अल्कोहल ऐड करते हैं 10% H2O के साथ, तो जो ऑर्गेनिक लेयर है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इंडिकेट करता है CrO5 फॉर्मेशन का, यानी CrO5 क्रोमियम पेंटाक्साइड फॉर्म करता है। तो बोला गया है कि CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा। तो ध्यान देना, जो CrO5 होता है इसका स्ट्रक्चर बटरफ्लाई होता है। तो अब अगर आप बॉन्ड ब्रेक करोगे तो बॉन्ड ब्रेक करके निकालो। अगर आप ध्यान देना, अगर CrO5 को आप सिंपली एक्स मान के अगर निकालते हो तो उसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि एक्स प्लस 5 × −2 = 0, यानी एक्स का वैल्यू आ जाएगा +10, जो कि पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है उसका मैक्सिमम वैल्यू, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है +6 ही होता है। तो +10 तो पॉसिबल नहीं है, इसलिए आप ऑप्शन टू को टिक मत करना, क्योंकि अगर आप एक्स मान के निकालोगे और ओ को अगर -2 मानते हो तो +10 आ जाएगा। तो ये आपको ध्यान देना है। तो आपको सिंपली फिगर पता होना चाहिए, फिगर के बाद आप बॉन्ड को ब्रेक करो। तो क्रोमियम का सारा बॉन्ड जब तोड़ेंगे तो यहाँ पे दो बॉन्ड टूटेगा, ओ के साथ यहाँ -2 है, यहाँ पे -2 होगा और यहाँ पे +2 हो जाएगा। यहाँ पे -1 + 1, यहाँ -1 + 1, यहाँ -1 + 1 - 1 + 1 - 1, तो ध्यान देना क्रोमियम पे जो नेट कितना चार्ज बिल्ड हो रहा है, तो बिल्ड हो रहा है +6। तो आपको स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, बॉन्ड को ब्रेक करना है और अपने आंसर को निकालना है। तो इसका आंसर होगा +6। और इसको आप याद कर लो कि CrO5 में क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो हो जाएगा +6। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे कुछ मैच किया हुआ है और बोला है कि कौन सा इनकरेक्ट है, बताओ। तो ध्यान देना, आपका जो क्रायोलाइट होता है उसका फॉर्मूला Na3L6 होता है, करेक्ट है। फ्लोरो अपाटाइट का ये फॉर्मूला यहाँ पे जो भी दिखा हुआ करेक्ट है। आपका जो फ्लोरोस्फार होता है उसका फॉर्मूला होता है CF2, यानी यहाँ पे BF3 जो लिखा हुआ है ये इनकरेक्ट है, यानी ऑप्शन 3 है इनकरेक्ट। बाकी कार्बोनालाइट का जो फॉर्मूला लिखा हुआ है KCl.MgCl2.6H2O, ये करेक्ट है। तो आपका आंसर इसमें होगा थर्ड।
जो कि इनकरेक्ट है। तो चलो मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे लोग आपके सामने एक assertion दिया हुआ है। assertion में क्या दिया हुआ है, aryl halide cannot be prepared by replacement of hydroxyl group of phenol by halogen atom, ठीक है। यानी अगर हम फिनॉल लेंगे तो फिनॉल का OH को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं थ्रू हलाइड एटम। तो मान लेते हैं तो यहाँ इसको हटा करके आप हलाइड को नहीं ला सकते हो, ठीक है। तो अभी ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं इसको देख लेते हैं एक बार हम लोग ध्यान से। तो यहाँ पर ध्यान देना, जो फिनॉल होता है, फिनॉल का जो O का जो लोन पेयर है उसमें रेजोनेंस करेगा, रेजोनेंस करेगा तो ये जो बॉन्ड है इस बॉन्ड में PDC का मतलब होता है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर बिल्ड कर लेगा। तो यहाँ से O का बॉन्ड तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। प्लस अगर यहाँ से आप O का बॉन्ड तोड़ करके कटायन बनाते हो तो पहली बात है कि PDC कैरेक्टर के कारण क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो यहाँ से बॉन्ड तोड़ना क्या होगा, डिफिकल्ट हो चुका होगा। सेकंड ध्यान देंगे, अगर आप बॉन्ड तोड़ करके अब कटायन अगर क्रिएट करते हो अगर, तो कटायन क्या होता है, अनस्टेबल, तो फॉर्म नहीं करेगा। तो दो रीजन है कि इसको आप यहाँ पे हलोजन जोड़ नहीं सकते सिंपली, तो इसको आप असेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर हम बात करते हैं रीजन का, तो रीजन में क्या बोला हुआ है, फिनॉल रिएक्ट विद हलोजन एसिड वायलेंटली, तो इनकरेक्ट होगा। तो रीजन इनकरेक्ट है, असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन थर्ड जो होगा हमारे लिए करेक्ट होगा, ठीक है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यानेंगे, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि द टाइप ऑफ अमीनो एसिड ऑप्टेन बाय द हाइड्रोलिसिस ऑफ प्रोटीन्स। ध्यान ना, प्रोटीन बेसिकली पॉलीमर होता है अल्फा अमीनो एसिड्स का। तो अगर हम प्रोटीन को ब्रेक करेंगे तो हमको अल्फा अमीनो एसिड वापस मिल जाएगा। तो इसका आंसर होगा फोर्थ। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन दिया हुआ है। तो पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, आपके पास एक अल्कीन है जिसको हम ट्रीट कर रहे हैं H+H2O से। यहाँ मार्कोनी का एडिशन होगा और जो कंपाउंड क्रिएट होगा वो कंपाउंड ऐसा बनेगा। उसके बाद हम कर रहे हैं इसमें CrO3, तो CrO3 ऑक्सीडेशन करके इस कंपाउंड को भेजेगा कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन में। और इसके बाद आप ट्रीट कर रहे हो उसको NH2 KOH और हीट कर रहे हो, बेसिकली वुल्फ किशन रिएक्शन होगा। तो इस रिएजेंट से ट्रीट करने के बाद आपका जो कीटोन ग्रुप है वो कन्वर्ट हो जाएगा अल्केन्स में। तो आपका जो फाइनली कंपाउंड बनेगा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आंसर होगा ये होगा 1। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, ये क्वेश्चन आपका लैसाइनी टेस्ट लिया हुआ है और इसमें बोला हुआ है कि आपके पास ब्लड रेड कलर अपीयर कर रहा है जब आप ट्रीट कर रहे हो सोडियम फ्यूजन एस्ट्रैट को विथ FeSO4 इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। तो इसका इंडिकेशन क्या होता है, ध्यान देना। तो H2SO4 जो होता है आयरन जो +2 सेट में यहाँ मौजूद है उसको कन्वर्ट करता है +3 सेट में। तो यहाँ से Rm+2 जो है ये जाएगा +3 में ऑक्सीडाइज होके, और ये आयरन का जो +3 स्टेट होता है जब ये कंबाइन करेगा HCN आयन के साथ तो ये बनाता है कॉम्प्लेक्स इस तरह का। और इसका कलर होता है ब्लड रेड कलर का होता है, ये होता है ब्लड रेड कलर का होता है। यानी इसका मतलब अगर ये आपका फॉर्म कर रहा है, मतलब आपके पास जो आयन होगा HCN, और HCN आयन होने का मतलब है आपका जो कन्फर्मेशन है कि आपके सिस्टम में नाइट्रोजन सल्फर दोनों मौजूद होगा, ठीक है। तो इसका मतलब आपके सिस्टम में नाइट्रोजन सल्फर दोनों मौजूद है। ऑप्शन 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, इस क्वेश्चन बोला हुआ है कि द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन द एक्चुअल स्ट्रक्चर एंड द लोएस्ट एनर्जी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पूरा गिवन कंपाउंड को क्या बोला गया था। ध्यान देना, जो आपका एक्चुअल फिगर होता है और जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है उसके एनर्जी डिफरेंस को बोलते हैं रेजोनेंस एनर्जी। तो आपका थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि MnO4- बेसिक मीडियम में I- को कहाँ भेजता है। तो ध्यान देना, आपके सामने
एनसीईआरटी का रिएशन लिखा हुआ है, तो इस रिएशन में ध्यान देंगे कि आपको जो आई माइनस है वो ऑक्सीडाइज होकर चला जाता है आई यू थ्री माइनस में, यानी इसका जो करेक्ट आंसर होगा आई यू थ्री माइनस, यानी थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इसमें से किस कार्बोनाइल में जो आपका CO है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड है, वो मेटल मेटल के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। तो ध्यान देना, यहाँ पे जो आपका कार्बोनाइल का फिगर दिया हुआ है, इसमें एनसीईआरटी में कुछ का फिगर दिया हुआ, कुछ का फिगर एनसीईआरटी का पार्ट नहीं है। तो एक बार चलते हैं इन सारे का फिगर हम देखते हैं, तब हम लोग अपने आंसर को एनालाइज करते हैं। तो आप देखोगे इन सारे फिगर में जो CO एटम है, बस कोबाल्ट वाले केस में, यानी इस कार्बोनिल में जो CO है वो मेटल मेटल के बीच में ब्रिज की तरह काम कर रहा है। बाकी किसी भी कार्बोनाइल्स में जो CO है वो ब्रिज की तरह काम नहीं कर रहा है मेटल मेटल के बीच में, यानी जो आपका आंसर होगा CO2CO8, यानी अपना आंसर होगा 2, ये होगा करेक्ट। तो अगर आप इन कार्बोनाइल का फिगर आप नहीं जानोगे तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो रिकमेंडेड है कि सॉल्यूशन का को देख करके आप इन सारे का फिगर याद कर लो, क्योंकि सारे का फिगर आपके एनसीईआरटी में आपको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि नेक्स्ट जेई वाले पेपर में या नेक्स्ट पेपर में आपसे इन क्वेश्चन को घुमा फिरा के कुछ नया क्वेश्चन बना के दे दे, तो आपको थर्ड और फोर्थ और 1 × सारे का फिगर को आपको याद कर लेना है। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस। मूव करते हैं लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, क्लोरीन बेसिक मीडियम में डिस्प्रोपोर्शनेट करता है। तो ध्यान देना, यहाँ पे आपके सामने एक रिएक्शन लिखा हुआ है और वहाँ पे कोफिशिएंट में ABCD लगाया हुआ है। आपसे बोला गया है कि यहाँ पे जो ABCD का वैल्यू है बैलेंस इक्वेशन में, उसका वैल्यूज क्या होगा। ध्यान देना, क्लोरीन का यहाँ पे जो इनका बैलेंस इक्वेशन है, बैलेंस इक्वेशन में लिख के मैं आपको दे रहा हूँ। यहाँ पे क्लोरीन का बैलेंस इक्वेशन है, इस बैलेंस इक्वेशन में देखोगे तो एक ए जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। बी का वैल्यू क्या होगा, 2 होगा। सी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। डी का वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। यानी इसका आंसर क्या होगा, 1 2 1 1, यानी आपका जो ऑप्शन 2 होगा, आपका ऑप्शन 2 क्या होगा, करेक्ट। ठीक है, तो बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सिंपल था, आपको इस रिएक्शन को बैलेंस करने आना चाहिए। तो एक डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, तो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का बैलेंसिंग आपको आना चाहिए। अगर रिएक्शन बैलेंस कर लोगे तो क्वेश्चन बहुत ईजिली आप सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक साइक्लोहेक्सीन है, इसमें Cl2 के साथ पहले बार में हम लोग सनलाइट डाले हैं। तो सनलाइट वाले में क्या होता है, रेडिकल मैकेनिज्म फॉलो करता है। तो रेडिकल कहाँ फॉर्म करेगा, जहाँ पर रेडिकल स्टेबल है। तो डबल बॉन्ड के जस्ट अल्फा पोजिशन में, यानी अलाली पोजिशन में रेडिकल बनने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वहाँ पर रेजोनेंस होकर स्टेबलाइजेशन होता है। तो ये दोनों पोजिशन में क्या होगा, आपका रेडिकल बनेगा और अल्टीमेटली वहाँ पर आप क्लोरीन को जोड़ दोगे, यानी आपका जो कंपाउंड ए बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, सेकंड वाला जो बी पार्ट है, बी में क्या कर रहे हैं हम लोग, Cl2 इन CCl4 कर रहे हैं। तो ये क्या करेगा, आपका जो डबल बॉन्ड है वो ब्रेक करेगा, यानी आपका जो पाई बॉन्ड है टूटेगा, और उसके पास जो पाई बॉन्ड टूटने के बाद क्या लगेगा, इसमें Cl जोड़ देंगे, यानी आपका बी बन जाएगा। तो ए और बी हम लोग बना चुके हैं। तो हमारा जो सॉल्यूशन है मैच किससे कर रहा है, तो मैच कर रहा है हमारे ऑप्शन 1 के साथ। आपका जो 1 ऑप्शन क्या होगा, ये होगा करेक्ट। तो बच्चों लोग, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि एरिनियम आयन विच इज नॉट इन्वॉल्व इन द ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन इज। तो ध्यान ना, जो एनिलीन होता है, इसका जो NH2 ग्रुप होता है, ये होता है ऑर्थो पारा डाइटिंग। तो आपका जो इलेक्ट्रोफाइल जो अटैक करेगा, इसके ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करता है, ऑर्थो या पारा पोजिशन में अटैक करेगा। ठीक है, अब ध्यान देंगे, आपका जो ऑप्शन 1, 2 and 3 दिया हुआ है, कहीं ना कहीं ऑर्थो पारा का अटैक करके बनाया हुआ है। ऑप्शन जो 3 है उसमें मेटा का अटैक है। तो मेटा के वाले अटैक में क्या दिक्कत है, कि मेटा वाले अटैक में जो कटायन बन रहा है, एक कटायन इस NH2 के लोन पर से इंट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ जो पाई बॉन्ड बना हुआ है, ये पाई बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो यहाँ पे चार्ज नेगेटिव आएगा, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव आएगा। तो पॉजिटिव चार्ज कभी भी इस N के लोन पेयर के साथ कॉन्जुगेशन नहीं कर पाएगा, तो उसका जो स्टेबलाइजेशन है वो नहीं हो पाएगा। बाकी हर केस में देख रहे हो कि जो कटायन क्रिएट हुआ रिंग में, वो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, N के साथ जाके इंट्रैक्ट कर रहा है और उसका स्टेबिलिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर जा रहा है। यहाँ भी जो चार्ज पॉजिटिव बना हुआ है, ये पॉजिटिव यहाँ के बाद फिर यहाँ पहुँचेगा, फिर यहाँ के बाद यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ जब पहुँचेगा तो ऊपर का लोन पेयर उसको क्या करेगा, रेजोनेंस करके स्टेबलाइज कर सकता है। यानी जो NH2 ग्रुप का जो रेजोनेंस इफेक्ट है,
वो वन टू एंड थ्री में ऑपरेट कर रहा है बट फोर में ऑपरेट नहीं करेगा, तो चूंकि कटायन स्टेबलाइज नहीं कर रहा इसलिए क्या होगा, आपका जो फोर्थ वाला जो है वो ऑप्शन पॉसिबल नहीं है, यानी हमारा जो आंसर होगा ये होगा फोर। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे आपके सामने यहाँ पे एक असर्शन दिया हुआ है, असर्शन क्या बोल रहा है, द फर्स्ट आनेशन थैल्पी डिक्रीजेज अलॉन्ग द पीरियड। तो ध्यान देना जब भी हम अलॉन्ग द पीरियड मूव करते हैं तो आपका रेडियस घटता है, जेट इफेक्टिव बढ़ता है, तो अल्टीमेटली क्या होगा, आउटरमोस्ट क्लाउड पर अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो उसको निकालना मुश्किल होगा, यानी इसका मतलब आनेशन थैल्पी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, यानी आपका जो स्टेटमेंट यानी असर्शन जो है वो है इनकरेक्ट। रीजन जो बोला हुआ है, द इंक्रीजिंग न्यूक्लियर चार्ज आउट वे द शील्डिंग अक्रॉस द पीरियड। तो ध्यान देना अलॉन्ग द पीरियड में आपका जेड इफेक्ट बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली आपका रीजन क्या है, करेक्ट है, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर रहा है तो आपका आउटरमोस्ट क्लाउड में अट्रैक्शन बढ़ेगा, तो क्या होगा, आपका आयनाइजेशन थैल्पी इंक्रीज करना चाहिए, यानी आपका रीजन करेक्ट है बट असर्शन रॉन्ग है, इसका मतलब आपका जो सेकेंड ऑप्शन है ये होगा करेक्ट। तो ये था बच्चों इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करता हूँ लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपको सामने दिया क्या हुआ है कि आपके पास एक सिस्टम है जिसमें अल्किन भी है और ईथर भी है, और उसको हम HBr से ट्रीट कर रहे हैं एक्सेस में। तो ध्यान देना जब एक्सेस में ट्रीट करो तो ईथर क्लिवेज करेगा, तो ईथर क्लिव जो करेगा वो यहाँ इस पॉइंट से करेगा, क्योंकि लेफ्ट पॉइंट से करने में दिक्कत क्या है कि यहाँ पे ओक अलोन पर रेजोनेंस कर रहा है, तो इसका बॉन्ड स्ट्रॉन्गर हो चुका है, इसलिए यहाँ पे यहाँ से ब्रेक नहीं कर सकते हो, प्लस यहाँ से ब्रेक करोगे तो कटायन यहाँ बनेगा जो कि अनस्टेबल है, इसलिए आपका जो ब्रेकेज होगा इस पॉइंट से होगा, ठीक। और यहाँ पर जो अल्किन है उसे मार्कोनी का इफेक्ट होगा, तो यहाँ पे आप एच यहाँ जोड़ोगे और बी आर को यहाँ जोड़ोगे, यानी अल्किन जो है ब्रेक करेगा तो बी आर यहाँ जुड़ेगा, ठीक है, और एच यहाँ जुड़ेगा, और यहाँ पर इस ओ के साथ एच जोड़ोगे, यहाँ पर क्या जोड़ोगे, बी आर जोड़ोगे आप, तो आपका जो कंपाउंड होगा क्रिएट होगा वो ऐसा कुछ बनने वाला है, यहाँ पे OH बनेगा, नीचे CH BR CH3, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा देखना, आंसर हमारा मैच करेगा किससे, तो आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन से मैच कर रहा है। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन और एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। बच्चों ये बोला गया इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है, तो ध्यान देना डेल्टा जी जो होता है, डेल्टा जी अगर प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा तो उसके लिए नेगेटिव होता है, अगर प्रोसेस इक्विलिब्रियम पे होगा तो उसके लिए क्या होता है, जीरो होता है, और प्रोसेस अगर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा तो उसके लिए क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ऑप्शन जो फोर है इनकरेक्ट होगा, यहाँ लिखा हुआ है कि डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, जो कि इनकरेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग। बच्चों इसमें पूछा गया है कि रुबिडियम का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है उसका चारों क्वांटनर का वैल्यू क्या होगा, तो ऐसा कॉन्फ़िगरेशन होता है क्रिप्टन 5s1, क्रिप्टन 5s1, इसका मतलब इसका n होगा 5, इसका l होगा 0, इसका m होगा 0, इसका s होगा प्लस हाफ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर मैच करेगा, ये आंसर जो 1 है ये हमारा आंसर करेक्ट रहेगा, इसमें एक और ऐड करना होगा तो आप प्लस हाफ भी एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। तो ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि K2KNO4 का जब हम डिकम्पोजिशन करते हैं तो O2 फॉर्म करता है, उसके अलावा और क्या फॉर्म करेगा। तो ध्यान ना एक क्वेश्चन सिंपली आपका NCERT बुक से लिया हुआ है, तो NCERT में ध्यान देना रिएक्शन लिखा होगा कि KNO4 का हीटिंग से आपका बनता है K2NO4 MnO2 प्लस O2, यानी O2 के साथ क्या बनता है, MnO2 फॉर्म करेगा और K2NO4 फॉर्म करता है, यानी अपना आंसर करेक्ट क्या होगा, आंसर 1 क्या होगा, करेक्ट होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि जब लोन पर इंट्रैक्ट करता है पाई बॉन्ड से, एडजेसेंट पाई बॉन्ड से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं। तो ध्यान देना जब भी लोन पर इंट्रैक्ट करता है अपने बगल वाले पाई बॉन्ड से, तो एग्जांपल के लिए मैं ये दिखा रहा हूँ आपको, तो इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस, यानी जब यहाँ इंट्रैक्ट करेगा तो सिस्टम इधर मूव करेगा, इस प्रोसेस के लिए बोला गया है रेजोनेंस इफेक्ट। आप बहुत सारे एग्जांपल भी देखे होंगे, इसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, जैसे मान लेते हैं कि फिनॉल सिस्टम है, इसका लोन पर बेंजीन से इंट्रैक्ट करता है तो यहाँ रेजोनेंस होता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेजोनेंस इफेक्ट। तो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे लोग इस क्वेश्चन में आपके सामने ऑस्मोटिक प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो आपको बताया गया है कि 273 केल्विन पे आपका ऑस्मोटिक प्रेशर कुछ दिया हो क्वेश्चन में, ठीक है, इसका वैल्यू आपके सामने दिया हुआ है, और बोला गया है
कि सेम सॉल्यूशन का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होगा 283 केल्विन पे कितना होगा आपको बताना है। ध्यान देना, आपको पता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है होता है पी कलू क्या होता है सीआरटी होता है, तो कहीं ना कहीं आपका जो ऑस्मोटिक प्रेशर पी है वो प्रोपोर्शन टू क्या होता है टेम्परेचर होता है। तो आपका जो प्रेशर पी वन होगा बाई पी टू का जो रेशियो होगा वो आपके टी वन बाई टी टू से क्या होगा मैच करेगा, तो आपको पी टू निकालना है। ठीक है, यानी प्रेशर एट 283 केल्विन को मैं पी टू बोल रहा हूँ उसको आपको निकालना, तो पी टू कर लो क्या होगा, तो पी टू कर लो हो जाएगा चलो टी टू बाई टी वन इंटू पी वन। तो वैल्यू जहाँ पुट करेंगे हम लोग, तो वैल्यू जब पुट करेंगे तो पी टू कर लो क्या हो चुका होगा बच्चों लोग, पी टू होगा 283, टी वन होगा 273 एंड आपका जो पी वन का वैल्यू दिया हुआ 7 × 10⁵ पास्कल। तो ध्यान देंगे आप लोग इस रेशियो को जब कैलकुलेट करोगे तो रेशियो जो है आ जाएगा 72.56 × 10⁴ पास्कल होगा, और पास्कल को आप लिख सकते हो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो हमको जो आंसर रिपोर्ट करना है उसमें 10⁴ का टर्म बाहर रखना है, तो अंदर जो होगा अंदर का टर्म होगा 72.56 होगा। अब इसको नीरेस्ट इंटीजर में इसका वैल्यू को आप क्या बोल सकते हो, तो बोल सकते हो इसको 73 बोल सकते हो। तो इसका आंसर जो नीरेस्ट इंटीजर में होगा ये होगा 73। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे इस क्वेश्चन में आपके सामने जिंक को प्रोड्यूस किया गया है और आप जो करंट पास कर रहे हो वो पास करो 0.015 एम्पीयर पास करो 15 मिनट के लिए, तो आपको बताना है कि जिंक का वेट कितना डिपॉजिट किया है। तो ध्यान ना, जिंक प्लस टू से आप जिंक निकाल रहे हो, इस प्रोसेस में आप दो इलेक्ट्रॉन पास करोगे, तो आपको पता है कि जब भी दो इलेक्ट्रॉन पास होता है तो एक जिंक बनता है। इसका मतलब अगर हम दो मोल इलेक्ट्रॉन पास करेंगे तो उसमें आपका जिंक प्रोड्यूस होगा 1 मोल। अब जो 2 मोल इलेक्ट्रॉन होता है उसका चार्ज का, तो बच्चों उसका चार्ज होता है 2 फैराडे, यानी 2 फैराडे जब हम चार्ज पास करेंगे तो आपका 1 मोल जो जिंक है प्रोड्यूस होगा। अब ध्यान देगा हम लोग जो करंट है उसको चार्ज में कन्वर्ट करते हैं पहले, तो करंट जो दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 0.015 एम्पेयर और टाइम दिया हुआ है 15 मिनट का, उसको चेंज कर दो सेकंड में, तो 15 × 60 कर दो, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका जो करंट का वैल्यू आएगा ये आएगा 13.5 कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब इस कूलम को चेंज करो फैराडे में, तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा 96500 से। ठीक है, तो आपका 13.5 कूलम बाई फैराडे का वैल्यू से, यानी इसको हम एफ बोल देते हैं, तो इतना मेरे पास फैराडे है, इतना फैराडे, यानी आप यहाँ पे बेसिकली क्या होगा 96500 कूलम से डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगा फैराडे में हो जाएगा, तो इतना फैराडे मेरे पास चार्ज है। अब ध्यान देंगे आपको पता है कि 2 फैराडे चार्ज से आपका 1 मोल प्रोड्यूस होता है जिंक। ठीक है, तो आपका अगर हम चार्ज पास करेंगे 1 फैराडे तो उस केस में कितना होगा, तो उसमें 1/2 मोल प्रोड्यूस होगा। तो चार्ज अगर इतना फैराडे पास करोगे तो इसमें जो मोल प्रोड्यूस होगा जिंक का, तो ये मोल जो जिंक का प्रोड्यूस होगा चलो ये हो जाएगा आपके पास 13.596500। ठीक है, इंटू हाफ इतना मोल होगा। अब इस वैल्यू को आप निकालो, इस वैल्यू को निकाल लो। ठीक है, इस वैल्यू को अगर हम बोल रहे हैं एन, ठीक है, तो इस वैल्यू को हम एन बोल दे रहे हैं, इसको आपको निकालना है। फिर क्या करना है, आपको वेट ऑफ जिंक पता करना है, तो वेट ऑफ जिंक कैसे पता करोगे, तो वेट ऑफ जिंक जो होगा इस मोल को मल्टीप्लाई करोगे जिंक के मोल मास से। अब जिंक का मास क्वेश्चन में दिया हुआ 65.4, तो इसको आपको यूज करना है, तो इसको आप यूज करके जब मल्टीप्लाई करते हो तो इस केस में आपका जो आंसर आ जाएगा जिंक वाले वेट का ये आ जाएगा 45.75 × 10⁻⁴ ग्राम के आसपास आएगा, क्योंकि आपको आंसर रिपोर्ट करना था तो उसमें 10⁻⁴ ग्राम को बाहर रखना है, तो अंदर में हम जो फिलअप करेंगे 45.75 जो कि नीरेस्ट इंटीजर में क्या हो जाएगा, हो जाएगा 46, यानी इस आंसर में हम यहाँ पुट करेंगे 46 ग्राम को। तो आपको मैंने अप्रोच समझा दिया, इस तरह से अप्रोच से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने कुछ कंपाउंड का लिस्ट दिया हुआ और बोला गया है इसमें किस किस में सल्फर एटम है। तो ध्यान देना, इस कंपाउंड का लिस्ट का आपके राइट साइड में मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। तो थायफिन का जो फिगर आप देखोगे तो उसमें आपको सल्फर दिखेगा। उसके अलावा देखोगे सिस्टीन फिगर में, सिस्टीन वाले फिगर का देखोगे तो ये बेसिकली अमीनोसिड होता है, इसमें भी आपको सल्फर दिखेगा। तो दो ऐसे कंपाउंड है जहाँ पर सल्फर एटम है, बाकी में सल्फर एटम आपको नहीं दिखेगा। इसका आंसर आप टू बोलोगे। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन बोला गया है कि इसमें से जो भी कंपाउंड का लिस्ट है उसमें फेलिन टेस्ट कौन देगा। तो ध्यान देना, फेलिन टेस्ट देने के लिए आपका एल्डिहाइड होना चाहिए और एल्डिहाइड एरोमेटिक नहीं होना चाहिए। तो एल्डिहाइड नॉट एरोमेटिक, यानी एरोमेटिक नहीं होना चाहिए, यानी एरोमेटिक रिंग से लिंक नहीं होना चाहिए। इसका मतलब तो आपका बेंजल्डिहाइड नहीं होगा। बेंजल्डिहाइड में क्या दिक्कत है कि एल्डिहाइड है, बट इसमें क्या है आपका जो एल्डिहाइडिक ग्रुप है वो लिंक होता है आपके बेंजीन रिंग से, क्योंकि एरोमेटिक है तो इसको आपको नहीं काउंट करना है। तो आपका जो आंसर होगा इसमें एक होगा एस्टल्डिहाइड, एल्डिहाइड होगा ए टेस्ट देगा। मीथानॉल ए बी एल्डिहाइड ए टेस्ट दे सकता है, और साइक्लोहेक्सेन कार्बनडिहाइड यानी इसका फिगर ऐसा होता है तो इसमें भी टेस्ट देगा, क्योंकि ये भी एल्डिहाइड है बट एरोमेटिक नहीं है, क्योंकि आपका एरोमेटिक रिंग से कनेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पर टोटल तीन ऐसे एल्डिहाइड हैं जो कि एरोमेटिक नहीं है, तो वो फेलिन टेस्ट देंगे। बाकी सारा जो कंपाउंड्स है या तो एरोमेटिक एल्डिहाइड है या फिर आपका कीटोन्स है जो टेस्ट को नहीं देगा। ठीक है बच्चों, इसका आंसर होगा थ्री। बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देना, इस क्वेश्चन में आपके सामने एक ओवरऑल रेट कॉन्स्टेंट लिखा हुआ है, के इक्वल टू के वन के टू बाई के थ्री दिया हुआ है, और आपको के वन के टू के थ्री का तीनों रिएक्शन का आपके पास एक्टिवेशन एनर्जी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपका एक्टिवेशन एनर्जी ई वन ई टू ई थ्री जो है 40, 50 और 60 दिया हुआ है। आपसे बोला गया है कि ओवरऑल जो के है उसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो बताना है। तो ध्यान ना, आपके पास जो अरेहनेस इक्वेशन था के को क्या था, ए ई का पावर माइनस ई ए बाई आर टी, इसको इक्वेशन को देखते हो तो आपका जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ई के पावर में है। तो अगर आपको पता है कि जो इक्विवेलेंट जो के आप निकाले हो तो के कब मिलेगा, तो जब रिएक्शन जो है रिएक्शन वन को आप वन टू को आप ऐड करोगे और थ्री को आप सब्ट्रैक्ट करोगे। ठीक है, तो ध्यान देना आपका जो है यहाँ पे जब आप इस के वन के टू को यूज करते हो ना, तो आप ध्यान देना इस के में अगर के वन का वैल्यू लेंगे तो के वन का मान लेते हैं कि उसको ऐसे लिखोगे ए ई का पावर माइनस ई ए वन बाई आर टी, के टू बोले आप लिख सकते हो समथिंग कॉन्स्टेंट ए, यहाँ ए वन होगा, यहाँ मान लेते हैं ए टू होगा, ई का पावर माइनस ई ए टू बाई आर टी, और के थ्री वाले पुट करो तो क्या होगा समथिंग ए थ्री ई का पावर माइनस ई ए थ्री बाई आर टी। तो इसको चूंकि जो पावर है पावर में जो एक्टिवेशन एनर्जी होगा तो ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी जो होगा सम कॉन्स्टेंट ई का पावर माइनस ई ए वन प्लस ई ए टू माइनस ई ए थ्री के फॉर्म में आ जाएगा। तो बेसिकली आपका ये जो होगा ओवरऑल एक्टिवेशन एनर्जी होगा, यानी क्या होगा आपका ई ए वन का वैल्यू क्या है बच्चे लोग 40 है, ई ए टू का वैल्यू कितना है 50 है, और ई ए थ्री कितना 60 है, तो उसको माइनस कर देंगे तो ओवरऑल एक्टिवेशन कितना हो जाएगा 90 माइनस 60, यानी इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 30। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप 30 बोल सकते हो, तो इसका आंसर 30 होगा। तो बच्चे लोग ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि इसमें से कितना ऐसा कंपाउंड है जिसका सेंट्रल एटम पे सिंगल लोन पेयर होगा। तो ध्यान देना, आप देख सकते हो ओजोन का सेंट्रल एटम जो ऑक्सीजन है उस पर लोन पेयर कितना आपको एक दिख रहा है, वाटर में दो लोन पेयर है, SF4 में जो लोन पेयर सल्फर उसमें एक लोन पेयर है, अमोनिया में नाइट्रोजन सेंट्रल एटम उस पर लोन पेयर क्या है एक है। ठीक है, BrF5 में जो ब्रोमीन आपका सेंट्रल एटम उस पर लोन पेयर क्या है एक आपको दिख रहा होगा। तो आप देखोगे कि टोटल ऐसे चार कंपाउंड है जहाँ पर लोन पर आपको एक दिखेगा, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 4। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों ध्यान देंगे, आपके सामने एक इक्वेशन दिया हुआ है और बोला गया है इसका केपी लिखा हुआ है और आपको केसी पता करना था। ध्यान ना, आपको पता होना चाहिए कि केपी इक्वल टू क्या होता है केसी आरटी का पावर डेल्टा एनजी होता है। तो इस रेशियो में जो डेल्टा एनजी का वैल्यू कितना होगा, तो राइट साइड में क्या है दो गैसेस मोल है, ठीक है, और लेफ्ट साइड में क्या है एक गैसेस मोल है, तो इसका रिएक्शन का डेल्टा एनजी होगा 1। अब आपको क्वेश्चन में केपी दिया हुआ है, आपको केसी पता करना है, तो केसी इक्वल टू क्या होगा केपी बाई
आरटी का पावर क्या होगा, डेल्टा एनजी जो कि वन है, तो इसको पावर को वन बोल सकते हैं हम लोग। तो केपी का वैल्यू क्या दिया हुआ है, चलो तो केपी का जो वैल्यू दिया हुआ है ये वैल्यू 0.492, इसको पुट कर देना है आपको। आर का वैल्यू क्या लोगे, तो चूंकि एटीएम लीटर तो इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, आर का वैल्यू क्या लेना है आपको 0.082 लेना है। टेम्परेचर कितना पुट करेंगे आप लोग, 300 केल्विन पुट कर देंगे, तो आपको जो केपी केसी का वैल्यू निकलेगा, तो ये केसी वैल्यू नियर अबाउट निकल के आ जाएगा, यह आ जाएगा 2 × 10⁻²। तो चूँकि आपके आंसर में 10⁻²² ऑलरेडी बाहर लिया हुआ है, तो हमको यहाँ कितना पुट करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको पुट करना पड़ेगा 2 पुट करना पड़ेगा, यानी इसका आंसर 2 होगा। तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों इस क्वेश्चन में आपके सामने एक सॉल्यूशन लिया हुआ है H2S4 का, जिसका आपको परसेंटेज दिया हुआ 31.4% बाई मास है, उसका डेंसिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ 1.25 ग्राम पर ml। आपसे पूछा गया है कि मोलरिटी ऑफ H2S4 निकालना है, तो ध्यान देना आप एज्यूम कर रहे हो इस सॉल्यूशन का 1 लीटर मान लो, यानी सॉल्यूशन का हम 1000 ml मान रहे हैं, 1 लीटर मतलब 1000 ml। तो इसको हम अगर डेंसिटी से मल्टीप्लाई करते हैं इस वॉल्यूम को, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना निकल के आ जाएगा, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इन ml, यानी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1250 ग्राम। अभी सॉल्यूशन का 31.4% H2S4 है, तो वेट ऑफ H2S4 कितना होगा, तो 1250 इंटू 31.4/100 इतना ग्राम होगा। इसको डिवाइड कर देंगे हम लोग 98 से, यानी H2S4 के मोलो मास से, तो मोल ऑफ H2S4 मिल जाएगा मेरे को। तो मोल H2S4 कैसे मिलेगा, तो 1250 इंटू 31.4 डिवाइडेड बाई 100 डिवाइडेड बाई 98, यानी मोलो मास से डिवाइड कर दी इस वेट को, तो ये मोल आ जाता है 4। आपका H2S4 का मोल 4 है, और वॉल्यूम क्या माना गया, वॉल्यूम शुरू में 1 लीटर माना गया है, यानी आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में 4 मोल H2S4 निकल के आ गया, इसका मतलब मोलरिटी कितना होगा, तो 4/1, यानी आंसर किसका 4 होगा। तो बच लो, एक क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्वेश्चन बहुत ईजिली आपसे बन जाएगा, तो इसका आंसर होगा 4। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह के अप्रोच से बनाने से क्या होगा, आप कभी गलती नहीं करोगे, और प्लस अगर फार्मूला जो है अगर आपको याद नहीं रहे कभी भी, तो ये फंडामेंटल अप्रोच है। इस अप्रोच से अभी अगर फार्मूला याद भी नहीं है तो भी आप क्वेश्चन ईजिली बना सकते हो। तो बच लो ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस, मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच लो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इसमें से कौन कौन सा स्पीसीज है जो कि पारामैटिक है एंड बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1 है। तो ध्यान देना पारामैटिक का कंडीशन क्या होता है, तो पारामैटिक होने का कंडीशन था कि आपका टोटल इलेक्ट्रॉन जो होना चाहिए ऑड होना चाहिए, ठीक है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट जिसमें होगा, इसमें एक्सेप्ट ले लोगे एक्सेप्ट B2 and O2, ये दोनों जो होता है इनका टोटल इलेक्ट्रॉन होता है 10 and 16, लेकिन दोनों होता है पारामैटिक, दोनों होता है पारामैटिक, तो ये आपको याद रखना है। तो ध्यान देना H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा, इसका बॉन्ड 1 होगा, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना होगा H2 का 2, Hg2+ का बॉन्ड होता है कितना 0.5, 3 होगा टोटल इलेक्ट्रॉन, O2+ का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा ये होगा आपका 15, बॉन्ड होगा 2.5, N2-2 का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा ये हो जाएगा 16 और बॉन्ड होगा 2, O2-2 का जो टोटल इलेक्ट्रॉन होगा 18 होगा और इसका बॉन्ड होगा 1, F2 का भी 18 होगा और बॉन्ड होगा 1, Ne2+ का जो होगा ये होगा 19 और बॉन्ड होगा 0.5, B2 का टोटल 10 होता है, बॉन्ड होता है 1। तो ध्यान ना आपका बॉन्ड और 1 बस कहाँ कहाँ है, H2 O2-2 F2 एंड B2 का। अब इनमें से आप देखोगे तो सारा जो टोल्ट्रॉन है वो आपका दिख रहा होगा इवन, तो इवन जो टोल्ट्रॉन में बस 10 होगा, यानी जो B2 होगा जो होता है पारामैटिक, यानी सिर्फ इसमें पारामैटिक होगा और बॉन्ड और 1 का जो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा बस B2 मॉलिक्यूल करने वाला है, यानी बोरोन का जो मॉलिक्यूल करेगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा 1। तो अच्छा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना है, ठीक है। तो बच लोग मूव करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चे लोग आपके सामने एक अल्किन का ऑर्गेनाइसिस किया हुआ है, और बोला गया है कि आपका जो पोर्ट पी फॉर्म कर रहा है उसमें बोला गया है कि आपको पता करना है टोटल नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम पर मॉलिक्यूल कितना होगा। तो ध्यान देना जब ऑर्गेनाइसिस करते हो तो आपका अल्किन का जो पाई बॉन्ड है ब्रेक करेगा, ठीक है, ये ब्रेक करेगा और वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आपको डबल बॉन्ड ओ लगा देना है, यानी पर मॉलिक्यूल कितना ऑक्सीजन आपको दिख रहा है,
पर मॉलिक्यूल आपको एक ऑक्सीजन दिखेगा, यानी इसका आंसर क्या बोलोगे आप, इसका आंसर बोलोगे 1। ठीक है, तो बच्चों ये था इस क्वेश्चन का एनालिसिस एंड सॉल्यूशन। तो आपके सामने इस पेपर का हमने डिस्कशन हमने पूरा कर दिया, तो आप देखोगे कि क्वेश्चन का लेवल जो था वो उतना डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, आप बस अपने फंडामेंटल को रिकैप करो, आपका जेई का पेपर अच्छा हो जाएगा। तो बच्चों लोग मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट पेपर के एनालिसिस पे।